प्रदेश भर में भगवान गणेश मूर्ति की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया गया। इस दौरान यूपी के कई जिलों से विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से मौत के कई मामले सामने आए। ताजा मामला उन्नाव का है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान कई घरों का चिराग बुझ गया। आपको बता दें कि जिले के परियर गंगा घाट पर चल रहे अंधाधुंध अवैध तरीके से खनन ने आज 3 किशोरों की जान ले ली। विसर्जन के दौरान 5 किशोर खनन से हुई काफी गहराई में डूब गए। काफी चीख पुकार के बीच वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद 2 किशोरों को तो तुरंत बाहर निकाल लिया। बाकी 3 किशोर को काफी देर बाद ढूंढ कर निकाला गया। तब तक 3 किशोरों की मौत हो चुकी थी। आज ये थाना सतीपुर के अंतर्गत परियर क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को लेकर कुछ लोग गए थे, जिसमें 3 बच्चे जो हैं, जिनका नाम विशाल, शाम और लोकेश है, जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। इनका विसर्जन के दौरान जो है डूबकर मृत्यु हुई है। इनमें से 2 बच्चों की मृत्यु जो है, 2 बच्चों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हुई थी, और एक बच्चा जो है उसका हेलमेट ऊपर किया गया, जिसका इलाज के दौरान जो है वो एक्सपायर हुआ है। SDM अंकित शुक्ला ने बताया कि सभी बच्चे एक ही गांव के रहने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। हम लोग इनके साथ हैं, हर संभव मदद करेंगे। अभी इसकी आगे जांच की जाएगी, जिसके बाद ही कुछ कार्रवाई होगी। सभी बच्चे जो हैं ये माती गांव के रहने वाले हैं और उपस्थित हैं यहाँ पे। शासन प्रशासन की तरफ से जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको जो भी सहायता है वो पूरी तरीके से दी जाएगी, और हम लोग इनके साथ में हर संभव मदद में खड़े हैं। गंगा स्नान में क्या लापरवाही कोई है क्या किसी की? अभी इसकी जांच जो है आगे कभी तक की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है इसमें। फिलहाल हमारा जो उद्देश्य है, इसमें जो भी शासन प्रशासन की तरफ से जो मदद हो सकती है वो परिवार के लोगों को पहुँचाने की है, और मौके पर शांति व्यवस्था बनाने की। जहाँ पहले से हुए अवैध खनन पर पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं था, वहीं अब घटना के बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है, जिसके बाद देखना है कि क्या पुलिस वास्तव में कार्रवाई करती है या फिर पहले की तरह ही अपना हाथ पीछे खींच लेती है। पंजाब केसरी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।